जो कि किस तरीके से पूरा टूट गई हैं। ये चीज़ आप देखो। जय श्री राम। मैं पवन यादव अयोध्या से। ये दूसरा पार्ट है जो कि आपने कल देखा था, ये दूसरा पार्ट है और लॉन्ग वीडियो हो जाती है इसलिए मैं दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ। और अभी मैं हूँ अयोध्या चौक में और ये साइड आप देखिए घंटाघर से मैं निकला था। घंटाघर की अगर वीडियो देखना चाहते हैं, इससे पहले पार्ट में आपको घंटाघर की वीडियो जो है वो आपको दिख जाएगी। यहाँ पर लस्सी मिलती है भाई, बहुत ही गजब लस्सी मिलती है, ये आप ले सकते हो। यहाँ पैराडाइस है और ये देखिए, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखता है भाई। ये चीज़ आप देखो, ये पूरा सिटी का नज़ारा आप देखो। इधर भी ये निर्माण होगा, मे भी आने वाले टाइम पे ये भी चौड़ा होगा, क्योंकि अयोध्या के जितने भी नए रोड हैं वो चौड़े हो रहे हैं, चाहे वो कॉलोनी के रोड हो या शहर के रोड हो या यहाँ मार्केट के रोड हो। तो ये मार्केट का ही रोड है ना भाई, मेन मार्केट की रोड है, तो ये भी चौड़ी होगी, ये तो पक्का है भाई। आने वाले टाइम पे ये पक्का चौड़ा होगा। और अभी मॉर्निंग टाइम व्यू आप देखो कैसे है ना भाई, पूरा दुकान कितना सन्नाटा है। और मॉर्निंग टाइम में ही जितने सामान है ना, जैसे ट्रकों से आते हैं दिल्ली से, गुजरात से, हर जगह से कपड़ों के, तो मॉर्निंग टाइम में ही सारे जो है ट्रक यहाँ पर अलाउड है। उसके बाद ये लोग 8 या 9 बजे तक अलाउड रहेंगे, 8-8 बजे तक अलाउड रहता है बड़ी गाड़ियाँ, बाकी नहीं रहती। तो ये चीज़ आप देखो पूरा इधर, यहाँ पर मंदिर दिख जाएगी हमारे हनुमान जी की, तो बोले जय श्री राम। और आगे चलते हैं, इधर भी आपको दिखाते हैं, ये देखो पूरा। यहाँ से आप जो जाना चाहते हैं तो आप कसाबवाड़ा जा सकते हो, यहाँ से ऐसे ऐसे रोड है यहाँ पर गली गली। ये चीज़ देखो भाई, भीड़ आप देखो कितनी ज़्यादा, ट्रकें यहाँ पर खड़ी हुई हैं। और इन रोडों का भी जब चौड़ीकरण होगा तो बहुत सारा नुकसान जो है वो होने वाला है जी। आप देखो मैं फतेहगंज के पास पहुंच गया हूं और अभी मैं देखता हूं पहले रोड का, रोड जो है वो खुला है या नहीं खुला है, वो भी देखना ही पड़ेगा भाई। ये चीज़ देखो, भीड़ आप देखो भाई। यहां पर ना ये दाल मंडी है, यानी मंडी है गल्ला मंडी, तो यहां पर दाल चावल बासमती मतलब जितने भी हैं खाने पीने की चीज़ें सब बाहर से यहाँ पर आती हैं। ये देखिए ट्रकों से कैसे अनलोड हो रहा है, इधर सोयाबीन बासमती राइस है ये सब पूरा। ये देखिए ये मॉर्निंग टाइम का व्यू आप चेक करो। और भाई साहब मॉर्निंग टाइम में ना यहाँ जलेबी हुआ, समोसा हुआ, ये सब खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा जो है वो आता है। इधर साइड आपको दिखाते हैं ये चीज़, आप देखिए ये चीज़ आप देखेंगे तो ये फतेहगंज फ्लाईओवर का निर्माण आप देखो। यहाँ पर बहुत सारी जो दुकानें हैं वो आपको दिख जाती है, जो कि किस तरीके से पूरा टूट गई हैं। ये चीज़ आप देखो, देखिए किस तरीके से ये टूट गई हैं। अगर आप सीधे जाओगे तो ये नाका निकालेगा, नाका चुंगे से होते हुए NH-27 आप जा सकते हो। और इधर से अगर आप लेफ्ट जाओगे तो ये हमारे तरफ जो कि NH-27 पे निकालता है भी देवकाली बाईपास। तो यहाँ पर देखेंगे चाय वगैरह की दुकानें किस तरीके से लगी। यहाँ पर बहुत सारी जो दुकानें हैं वो लगी हुई थी समोसे की, चाट की, ये सब की। देखेंगे किस तरीके से पूरी ख़त्म हो गई हैं भाई। तो ऐसे सब कुछ है, आगे चलते हैं और दिखाते हैं। ये पूरा ये चौक था, उधर रास्ता पूरा ब्लॉक है नहीं तो आगे मैं दिखाता, इधर साइड दिखाता हूँ। ये चीज़ देखिए, यहाँ पर बहुत सारी दुकानें जो है लगती थी, जो कि अभी मॉर्निंग टाइम नहीं देख सकते हो। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं फ्लाईओवर और घर, आप देखो बड़े बड़े घर किस तरीके से टूटे हुए थे। इधर साइड ये पुलिस चौकी है फतेहगंज की, ये आप देखो, ये आप देखो रहे हो, यहाँ पर भी जो गल्ला है किस तरीके से उतर रहे हैं। ये निर्माण आप देखिए, कितने घर जो हैं पूरे डिस्टर्ब हो गए थे। आगे दुकानें थी जो कि मंडियों की और भी ट्रैवल एजेंसियाँ भी थी बहुत सारी। इधर साइड ये देखिए मशीनें, ये देखो भाई साहब मॉर्निंग टाइम में ना यहाँ पर ट्रकों का भीड़ रहता है, क्योंकि सारे सामान जो हैं अनलोड होते रहते हैं। ये क्रॉसिंग है, इस क्रॉसिंग की वजह से ये फ्लाईओवर जो है निर्माण हो रहा है। आपने पहले पार्ट में देखा था जो कि हम देवकाली से आए थे, देवकाली जो चौक ओवर ब्रिज है वहाँ पर आपने देखा, वो भी बना हुआ था, क्योंकि पहले वहाँ भी ऐसा नॉर्मल था, फिर वो निर्माण हुआ ओवर ब्रिज का, और उसके बाद अब इसका नंबर था और इसे निर्माण हो रहा है। यहाँ पर भी देखेंगे
पिलर जो है पूरे बनने निर्माण किया जा रहा है। ये देखिए, ये पूरा आप देखो किस तरीके से निर्माण जो है ये पूरे हो रहा है इधर। ये पिलर 14, पिलर 15, इस तरीके से जो है निर्माण किए जा रहे हैं पूरे, और दोनों साइड से रोड रहेंगे। ये मॉर्निंग टाइम व्यू आप चेक करो, रास्ते खुले हैं, ये बहुत बड़ी बात है भाई। लेकिन आने वाले टाइम पे कुछ दिनों में ये रास्ता पूरा ब्लॉक हो जाएगा, और जब ब्लॉक हो जाएगा तब भी मैं दिखाऊंगा आपको। ये देखिए निर्माण भाई साहब, रास्ते की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। इधर ये देखो पिलर नंबर 18, ये पिलर 18 है, और इसके आगे चलते हैं। ये मारवाड़ी भवन आप देखोगे तो आगे से इसका भी जो है टूट गया था, देखिए गेट वगैरह आगे से बाउंड्री वगैरह टूट गया है। ये देखिए ये फतेहगंज रोड है, जो कि ये भी देवकाली बाईपास से निकला हुआ है और सीधे ये फतेहगंज आता है। यहाँ पर देखेंगे मस्जिदें जो आगे से थी किस तरीके से आगे से थोड़ी सी ख़राब हो गई हैं, टूट गई हैं। इधर साइड ये देखिए, यहाँ पर जितने भी घर आपको दिख रहे हैं ना, ये सब घर का भी जो चौड़ीकरण है वो होने वाला है, और मे भी अभी जो चौड़ीकरण है वो नहीं हो रहा है क्योंकि पूरा सिटी डिस्टर्ब हो जाता, और अभी इसका जो चौड़ीकरण है फ्लाईओवर के बाद ही होगा। लेकिन मेजरमेंट जो है कहीं कहीं दिखता है, एक बार इसका सर्वे पूरा हो चुका है और फिर से इसका जो निर्माण होगा फ्लाईओवर के बाद ही होगा इसकी चौड़ीकरण जो है। इधर साइड भी ये पूरा आप देखो, ये मॉर्निंग टाइम का दृश्य किस तरीके से हमारी अयोध्या जो है मॉर्निंग टाइम में दिखती है। और ये देखिए भाई, गाय वगैरह देखे किस तरीके से यहाँ पर टहल रही है भाई, और दीप उत्सव में कौन कौन आ रहा है बताना ज़रूर। और जो दीप उत्सव राम पैड़ी है वहाँ पर जो सामान लग रहे हैं अब, जैसे कि ये लेज़र लाइट वगैरह, वो सब अब परमानेंट रहेंगे और पूरे 5 साल तक जो है लेज़र शो वो चलेगा। बट अभी ये कंफर्म नहीं है कि पूरे दिन चलेंगे हफ्ते में, कि एक दिन ऑफ भी रहेगा ऐसा कुछ, तो वो चीज़ तो आगे चल के मैं अपडेट देता रहूँगा। ये चीज़ आप देखो पूरा, अभी हम आगे चल के जो है देवकाली के पास पहुँचेंगे। ये देखिए भाई, ये पूरा आप देख रहे हो ना, ये रॉयल एनफील्ड का है इधर साइड, और त्यौहार की वजह से सब ऑफर पे ऑफर निकाले जा रहे हैं भाई। इधर जितने भी घर आप देख रहे हो, इधर देखिए जो जो परमिशन आया था, देखिए आगे से बाउंड्री वगैरह किस तरीके से पूरा टूट गया है। ये श्री राम हॉस्पिटल, श्री राम गेस्ट हाउस का इधर साइड में, ये आप देखो पूरा निर्माण। यहाँ पर भी जब निर्माण होगा तो भाई साहब जैसे राम पथ का था उसी तरीके से यहाँ का भी होगा। और बहुत भाई लोग जो है आगे से गेट वगैरह जो है बाउंड्री वगैरह जितना मेजरमेंट में आ रहा है उसको तोड़वा ले रहे हैं पहले से ही। और इधर साइड ये देखिए, और आगे चलते हैं और भी आपको दिखाते हैं। इधर साइड ये आप पूरा देख रहे हो ना आगे, और इसी तरीके से निर्माण जो है फतेहगंज जो है GIC के आगे तक चल रहा है, और रास्ता जो है वहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया है। ये आप देखो ढेर सारी जो कॉम्प्लेक्स है, होटल है इधर सब खुल रहे हैं। ये बड़े बड़े होटल आप देखो, एक नंबर का होटल है भाई बड़ा सा। ये आ गया है देवकाली तिराहे के पास, और यहाँ पर भी बहुत सारे गेस्ट हाउस और लॉन है। ये देखिए जो निर्माण हो रहा है इधर साइड रोडों का, ये चीज़ आप देखो भाई, ये देवकाली तिराहा है। तो इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, बोलिए जय श्री राम, जय अयोध्या धाम।